नमस्कार दोस्तों, और मैं संजय कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी सहायता से हमें गुणनखंड इसके निकालने हैं। कैसे निकालेंगे वो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप सभी लोग मेरे वीडियो के लाइट से जरूर बन रहे हैं। तो क्या मेरे पास सवाल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस बीस बराबर जीरो है, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात होंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो मेरे पास ये 20 दिया अचर है बिल्कुल, जिसमें ए बी सी डी का कोई भी अचर नहीं दिया है, उसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जिसमें ए बी सी डी का कोई अचर जब नहीं दिया होता है वो अचर कहलाता है। ठीक है, इस अचर की गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 है, तो 20 की जब 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 40 तो मेरे पास आ गया, अब हम 40 के ऐसे गुणनखंड करो, यहाँ हमारा क्या लगा, माइनस लगा है। अगर माइनस लगा है तो घटाने पर 40 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने के बाद कितना आ जाए, 3 आए, लेकिन उनकी जब गुणा करेंगे तो हमारा 40 ही रहना चाहिए। तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको किससे काटेंगे, 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से काटें, 2 दूना 4 आ जाएगा, हमारे 20 हो गया। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, इसी तरीके से इसको काट रहेंगे, 2 पंचे 10, ये हमारा आ गया 5 एकम 5। हमें इसमें दिए 1 2 3 4 पद, 4 पदों में दिया है, लेकिन हमें 2 में इसे बनाना है, 2 संख्याओं के रूप में बनाना है, और जिनका जिनको आपस में घटा दें तो मेरे कितना आ जाए, 3 आ जाए, लेकिन उन दोनों की अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 20 आना चाहिए। अब मेरे पास है तो टोटल 4, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मिलाओ, 2 दूनी 4, 4 हुआ। ठीक है, ये 2 दूनी, ये 2 हम एक साथ मिला लेंगे, 2 दूनी 4, इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये तो मेरा 4 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10, ये हमारा कितना है, 5 दूना 10। अब कह सकते हैं अगर हम 10 में से 4 जाएगा, 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा, लेकिन लाना कितना, हमें 3 लाना है, तो हमारा ए नहीं बन रहा है, हमें इतना लाना है कि घटा दें तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा नहीं बन रहा है तो इसको हम हटा देंगे। अब दूसरा कर लेंगे, हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, अब 3 संख्या एक साथ ले लेंगे, हम कितनी संख्या लेंगे, ये 3 संख्या ले लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 8 में से कितना घटा दें, 5, तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास गुणनखंड बन जाएंगे, 8 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमारा आ कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 8 की 5 से जब गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यही तो हमें लाना है। तो वो कौन से गुणनखंड है, तो एक तो हमारा 8 और माइनस का 5 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास एक्स 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, जहाँ पर ये 3x दिया है उसके जगह पर जो हमारे गुणनखंड आए वही लिखना है, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे हम 8 माइनस का 5। ठीक है, ब्रैकेट में इंटू एक्स है, एक्स लिख देंगे, माइनस 20 बराबर में 0 है, 0 हम लिखते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं तो इस 8 की गुणा एक्स से हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 8 एक्स हो जाएगा। अब एक चीज बताएं, ये हमारा माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसकी 5 की एक्स से गुणा होगी तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। माइनस 20 ये हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, बराबर में मेरा 0 है वो 0 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें हमारे पास 4 पद हो गए, अब इसको हम 2-2 पद के रूप में कर लेते हैं, इसमें भी हमारा 2x स्क्वायर 8x 5x माइनस 20 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसमें कामन देखना है, कामन उभयनिष्ठ जो दोनों में मिले। अब आपको बताएं इसको कामन कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से समझेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 लिखा है, अब 2 और x के बीच में काय का संबंध है, तो आपको नहीं मालूम है तो ये संबंध है गुणे का, काय का संबंध है, ये गुणे का संबंध है, गुणा लगा दिया, x से कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो लिखेंगे x गुणे x। ठीक है, माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे तो लिख सकते हैं, और साथ में था हमारा x, तो हम लगा देंगे गुणे x लगा देंगे, प्लस लगाओ, ये 5 और x, तो इसको भी लिख सकते हैं 5
गुणे एक्स माइनस बी इसको लिख सकते हैं दो गुणे दो गुणे पाँच, ठीक है, बराबर में जीरो था इसको जीरो ही लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें हमें कामन क्या दिख रहा है ये चीज़ देखना है। तो कह सकते हैं यहाँ भी दो है, इसमें भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये तो हमारा कामन दोनों में दिख रहा है तो इसको निकालेंगे। इसके साथ में इसमें दो है लेकिन इसमें अब दो नहीं है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कह सकते हैं 2 और x इन दोनों में मिले हैं, तो इसका टू एक्स हम बाहर निकालेंगे, कामन कर लेंगे, ठीक है। तो हम 2x तो जब यहाँ से निकाल दिया हमने, तो मेरे पास एक x बचा, वही हम x यहाँ लिख देंगे, माइनस लगा तो लगा दो, यहाँ से 2 चला गया था और ये मेरा x भी चला गया था, तो बचा गया 2 गुणे दो बचा था, तो 2 गुणे दो को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस लगाओ, इसमें हमें कामन क्या दिख रहा है, यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ x है लेकिन और कुछ हमें कामन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ हमारा कामन है 5। ब्रैकेट लगाओ, जब 5 यहाँ से चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस लगा दो, यहाँ से 5 जब चला जाएगा, 2 गुणे दो बचा, इसका मतलब 2 दूनी ये 4 बचे, बराबर में 0 है, वो 0 हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें एक बार और देखना है, इसमें और इसमें तुम्हें कामन दिख रहा है, इसमें भी कामन है, क्या कामन है, x माइनस चार यहाँ भी है और x माइनस चार यहाँ भी है, तो इसको हम x माइनस चार जब यहाँ से निकालेंगे, तो x माइनस चार जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, जब यहाँ से x माइनस चार चला गया, ये वाला चला गया, तुम्हारा क्या बचा, 2x बचा, तो हम 2x इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस लगाओ, यहाँ से ये भी निकल गया था तो हमारा क्या बचा था, प्लस में 5 बचा था, बराबर में मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरे तो गुणनखंड तो ज्ञात हो गए, लेकिन हमें x के मान ज्ञात करने हैं, शून्यंक ज्ञात करने हैं, जो x के मान आएंगे उन्हीं को हम शून्यंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस चार जो है इसको कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब क्या होता है, हमने अभी पीछे बताया था, लेफ्ट में राइट, ये मेरा बराबर से इधर वाला लेफ्ट है, उधर वाला हमारा राइट हैंड साइड होता है। अगर हम किसी संख्या को पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट ले जाने, संख्या का चिन्ह बदल जाता है, तो x मेरा इधर था ही, इधर ही रहेगा, बराबर लगा दिया, जैसे ही चार उधर जाएगा, इधर माइनस था तो हमारा काय में पहुँच जाएगा, प्लस में पहुँच जाएगा, लेकिन प्लस हम शुरू में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो x का मान एक तो हमारा निकल गया, क्या आया, चार आया। दूसरा हम इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, हमारा क्या था, 2x प्लस 5 बराबर में कितना है, ये जीरो है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, जैसे ही 5 उधर ले जाएंगे, माइनस प्लस था उधर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि लेफ्ट से राइट में ले जाने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है ना। अब क्या हुआ, एक्स के गुणे में कोई संख्या अगर दी है तो वो बटे में आती है, तो माइनस 5 तो था ही, बटे में मेरा कितना आ जाएगा, 2, क्यों, x के गुणे में कितना था, 2 था, ये हमारा इसलिए बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे x के दोनों शून्य ज्ञात हो गए और यही x के हमारे मान हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। भैया बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।